Good morning, students. From today, we are going to start our next chapter, that is chapter 10, gravitation, right? So what do we mean by the term gravitation? We know that we all can live on earth or we can walk on earth because a force exert by earth on us, right? हम earth पर चल पाते हैं, earth पर move कर पाते हैं, अर्थ पर खड़े हो पाते हैं, बैठ पाते हैं. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अस बाय द अर्थ, है ना. अर्थ हम पर एक फोर्स लगाती है एंड ड्यू टू दैट फोर्स ओनली हम अर्थ पर जो है वो मूव कर पाते हैं, बैठ पाते हैं, चल पाते हैं, और उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, सो बेसिकली अगर हम ये बोलें कि अर्थ हम पर एक फोर्स लगा रही है, That is a attractive force लगा रही है, ठीक है. जब अर्थ हम पर एक attractive force लगाती है तो उस force को हम बोलते हैं gravitational force. और gravitational force ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ ही हम पर लगा रही है, जितने भी objects इस universe में हैं जिनका कुछ mass है वो सारे universe, वो सारे objects एक दूसरे पर एक force लगाते हैं और उस force को हम बोलते हैं gravitational force. ओके, सो बेसिकली ग्रेविटेशन का मतलब होता है कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जब एक दूसरे पर एक फोर्स लगाएंगे और एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे तो उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स. फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी है ए और ये कोई बॉडी है बी, इन दोनों का कुछ मास है. लेट द मास, इसका मास हमने मान लिया कैपिटल एम और इसका मास हमने मान लिया स्मॉल एम, और ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी. ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और जो बी है वो ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे और इस अट्रैक्टिव फोर्स को ही हम बोलते हैं ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी डिफाइंड एज एन अट्रैक्टिव फोर्स which keeps the system, it is an attractive force acting between the two bodies of any mass. Okay? Now, यहां से हमारे पास एक टर्म और आती है, that is centripetal force. Okay? Centripetal force. Centripetal force का मतलब होता है जब भी कोई बॉडी सर्क्यूलर मोशन करती है. Okay? अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, इसका मतलब अगर सर्कुलर पाथ में वो रोटेट कर रही है तो सेंटर से सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की तरफ जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो यहाँ सेंटर से इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने एक स्टोन लिया और एक स्टोन से एक रोप को टाई कर दिया. ओके, नाउ अगर हम अब उस रोप को घुमाएंगे तो रोप के साथ साथ वो स्टोन भी घूमेगा और वो जो स्टोन है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा. सो इस केस में इस स्टोन पर जब वो स्टोन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उस समय उस स्टोन पर सेंटर से बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है और उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज आल्सो वन ऑफ द फोर्स जो किसी बॉडी के मोशन में हेल्प करता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स इज बेसिकली एप्लीकेबल जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है उस केस में. ओके, वी ऑल नो दैट सर आइजैक न्यूटन, ही वॉज अ साइंटिस्ट, उन्होंने ग्रेविटेशन की डिस्कवरी की थी. तो उन्होंने बेसिकली ग्रेविटेशन की डिस्कवरी कैसे की, आप सबने स्टोरी सुनी भी होगी. वंस अपॉन अ टाइम ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, एन एप्पल ट्री, और सडनली जो एप्पल है वो उन पर गिरा ट्री पर से, राइट. तो उस समय उन्होंने ये सोचा कि व्हाट इज द रीजन जिसके कारण जो एप्पल है वो नीचे ही गिरा, या एप्पल गिरकर कहीं और क्यों नहीं गया, राइट. सो दिस वॉज बेसिकली द थिंकिंग बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स.
न्यूटन ने सोचा कि जो एप्पल है वो नीचे ही क्यों गिरा, वो गिर कर कहीं और क्यों नहीं गया। और इसके बाद उन्होंने इस फील्ड में अपनी रिसर्च चालू की और तब जाके उन्होंने डिस्कवरी की ग्रेविटेशनल फोर्स की। और उनके उन्होंने इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और आफ्टर ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने ये कंक्लूड किया कि अर्थ हम पर एक फोर्स अप्लाई करती है सारे ऑब्जेक्ट्स पर, हम पर नहीं, मतलब हम पर इज लाइक सारे ऑब्जेक्ट्स पर, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ पर, अर्थ सब पर एक फोर्स अप्लाई करती है। और वो फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को अर्थ से बांध के रखता है या बाइंड करके रखता है, राइट। और उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। चाहे हम बात करें किसी भी ऑब्जेक्ट की दैट आर ऑन द लोकेटेड ऑन द अर्थ, या हम बात करें दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज की, तो जो अर्थ है वो दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज पर भी अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करती हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, नाउ उन्होंने इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए एक लॉ दिया और उस लॉ को बोला जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, ऑब्वियसली हमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो लॉ है इट इज एप्लीकेबल टू द होल यूनिवर्स, चाहे हम बात करें अर्थ की यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, चाहे हम बात करें अर्थ की या किसी भी प्लेनेट की या इवन द होल यूनिवर्स की, पूरे यूनिवर्स में ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल रहेगा। मतलब यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं सारी बॉडीज पर ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल रहेगा, एंड इट वॉज नेम्ड एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बेसिकली यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में उन्होंने क्या क्या देखा, ये कोई दो बॉडीज हैं, ठीक है, लेट दीज आर बी द टू बॉडीज, ये है बॉडी ए और ये है बॉडी बी। ए का मास उन्होंने मान लिया कैपिटल एम और बी का मास हो गया स्मॉल एम, राइट। ऑब्वियसली अभी हमने देखा कि ये दोनों बॉडीज एक दूसरे पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती हैं, राइट। इसका मतलब ए बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और सिमिलरली बी भी ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इस लॉ की हेल्प से उन्होंने हमको ये वैल्यू बताई कि इन दोनों बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होती है। मतलब यूनिवर्स में जितनी भी दो बॉडीज हैं वो एक दूसरे के बीच में एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रही हैं वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे ये जो एम है वो इन दोनों का मास हो गया, कैपिटल एम ए का, स्मॉल एम बी का, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली स्मॉल आर। ओके, सो नाउ उन्होंने ये बोला सबसे पहले कि दो बॉडीज पर जो फोर्स लगेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बोथ द बॉडीज, ठीक है। मतलब इन दोनों बॉडीज के मास का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर इन दोनों बॉडीज का मास का प्रोडक्ट ज्यादा तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी कैसा होगा, ज्यादा। सिमिलरली अगर दोनों बॉडीज का मास कम तो उस केस में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी लेस, राइट। सो इस यहां से एक चीज कंक्लूड की जा सकती है कि कोई बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसका अट्रैक्शनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए जो हमारी अर्थ है वो हम पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाती है जिसके कारण हम अर्थ पे बाइंडेड रहते हैं, राइट। दूसरा, ये इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। इन दोनों के सेंटर सेंटर से एक दूसरे की जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली स्मॉल आर, तो इन ये दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स अप्लाई करेंगे दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। इट मीन्स दैट अगर ये आर ज्यादा तो फोर्स कम और अगर ये आर कम तो फोर्स ज्यादा। सिंपल सी चीज है कि जब ये दो बॉडीज एक दूसरे के पास पास में होंगी तो ज्यादा फोर्स लगेगा, है ना, जब तक मतलब जब आर कम तो फोर्स ज्यादा, और जब दो बॉडीज एक दूसरे से दूर दूर होंगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा। मतलब जब आर ज्यादा तो फोर्स सॉरी जब आर ज्यादा तो फोर्स कम, राइट। तो यहां से अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें सो वी विल गेट एफ इज प्रपोर्शनल टू
कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वेयर। यहां से अगर हम इस प्रोपोर्शनिटी के साइन को हटाते हैं तो हमको यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जनरली हम कांस्टेंट लगाते हैं के, बट यहाँ पे न्यूटन ने अपना एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया एंड दैट कांस्टेंट वाज जी। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने जी कांस्टेंट लिया एंड दिस जी इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये जो जी है इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू फिक्स होती है और वो क्या होती है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दिस जी इज अ कांस्टेंट हियर, जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एज एन एक्सप्रेशन फॉर द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। इसका मतलब अगर हमको दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास पता हो, उनके बीच की डिस्टेंस पता हो आर, तो हम उनके बीच में लगने वाला फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। ये जो जी है, दिस जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ओके, दिस जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट और इस जी की जो वैल्यू है वो हमेशा फिक्स होती है। ओके, इस जी की जो वैल्यू है वो हमेशा फिक्स होती है एंड इसकी जो वैल्यू है दैट इज जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो जी की वैल्यू है ये हमेशा फिक्स रहेगी। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो या कहीं पे भी इस जी की वैल्यू जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, इट विल ऑलवेज रिमेन एज इट इज। ओके, और इसकी वैल्यू जो है वो पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगी, नॉट ओनली ऑन द अर्थ बट हम यूनिवर्स में किसी भी प्लैनेट पे चले जाएं, किसी भी सैटेलाइट पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हमेशा इस जी की वैल्यू सेम रहेगी, दैट इज 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस बाय केजी स्क्वायर। ओके, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज एंड दिस वॉज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इट वॉज गिवन बाय सर आइज़ैक न्यूटन। और जो फोर्स की यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट सिंस न्यूटन ने हमको फोर्स दिया था, है ना, फोर्स की डेफिनेशन हमको न्यूटन ने दी थी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एन। जो फोर्स की ऐसा यूनिट होती है दैट इज न्यूटन, राइट। अगर हमको इस जी का यूनिट बताने के लिए बोले, है ना, अगर हमको ये बोले कि हमको इस जी की यूनिट बतानी है, तो हम इस जी की यूनिट कैसे बता सकते हैं, एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। हमको बतानी है इस जी की वैल्यू, तो हम लिख देंगे जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन में एम इंटू एम। सो जी इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स की यूनिट न्यूटन, आर इज द रेडियस, रेडियस के लिए हमने लिख दिया एम स्क्वायर अपॉन में, ये भी मास है और ये भी मास है, तो मास इंटू मास इज मास स्क्वायर और मास की यूनिट होती है केजी, तो ये हो गया केजी स्क्वायर। तो जो जी है उसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, जो भी हमने यहाँ पे लिखी, राइट। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। नाउ वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। Now we will solve one numerical that is based on the universal law of gravitation. Okay, universal law of gravitation पे based हम कुछ numerical solve करते हैं. The mass of Earth is 6, हमको हम Earth का mass दिया है, that is 6 × 10^24 kg. Earth का mass हमारे पास given है 6 × 10^24 kg and that of moon is 7.4 × 10^22 kg. If the distance between the Earth and the Moon is itna, then calculate the force exerted by Earth on Moon. हमको निकालना है कि Earth Moon पर कितना force लगाएगा, right? तो अभी हमने पढ़ा कि universal law of gravitation की help से हम दो bodies के बीच में लगने वाला force easily calculate कर सकते हैं. So सबसे पहले हमको given क्या-क्या है हम वो लिख लेते हैं. Let the mass of Earth is
कैपिटल एम इज इक्वल टू 6 × 10⁴ केजी। देन मास ऑफ मून हमको गिवन है 7.4 × 10⁻²² केजी, और जो डिस्टेंस दे रखी है अर्थ और मून के बीच में दैट इज 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, राइट। और हमको निकालना है उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स दैट इज कैपिटल एफ की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ओके, सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सारी यूनिट जो है वो एसआई सिस्टम में है या नहीं। सो मास की एसआई यूनिट होती है केजी, तो इट इज करेक्ट। अगेन मास की यूनिट केजी करेक्ट है। रेडियस मतलब लेंथ, लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, और यहां पे आपको दे रखी है किलोमीटर में, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, राइट। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर हम जस्ट इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो ये हो जाएगा 3.84 × 10⁵ × 1000, और 10⁵ × 1000, 1000 को हम लिख सकते हैं 10�³, और 10⁵ + 10³ हो जाएगा 10⁸, राइट। सो वी कैन राइट इट एज 10⁸ मीटर। इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर। अब हमारे पास सारी यूनिट जो है वो एसआई सिस्टम में हो गई हैं। अब हम सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। सो वी हैव द फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। दिस इज अवर फॉर्मूला। ये जो जी है दिस इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स होती है ना, इसकी वैल्यू है 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। इसकी वैल्यू फिक्स है, तो अगर क्वेश्चन में आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती है तो यू हैव टू लर्न दिस वैल्यू। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू लर्न दिस वैल्यू। नाउ पुट कर देते हैं जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻¹⁻ इंटू कैपिटल एम की वैल्यू हो जाएगी 6 × 10⁻², इंटू स्मॉल एम की वैल्यू हो जाएगी 7.4 × 10⁻², डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, राइट। आर हो जाएगा हमारा 3.84 × 10⁸, और स्क्वायर है इसलिए हम इसको डबल से लिख लेते हैं 3.84 × 10⁸, राइट। सो वी हैव रिटन ऑल अवर वैल्यूज हियर, हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज लिख दी हैं। अब हम सबसे पहले 10⁻ को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, यह है 10⁻², यह है 10⁻², तो 24 + 22 हो जाएगा 46, राइट। और 46 में से 11 गए तो क्या बच गया 35 प्लस का, तो ये जाएगा 6.67 × 6 × 7.4 × 10⁻³ + 35 डिवाइडेड बाय 3.84 × 3.84 × 10⁸, और 8 कितना हो जाएगा 16, और जब ये 16 ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर, 6.67 × 6 × 7.4 × 10⁻¹⁵, में से 16 गए तो कितना बचेगा 19, राइट। सो इट विल बी प्लस का 19, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा है 3.84 × 3.84, राइट। नाउ अब हम सबसे पहले डेसिमल्स को कैंसिल कर लेते हैं। यहां से हमने डेसिमल हटाए तो टोटल हमको नीचे 3 जीरो लगाने पड़ेंगे, 1, 2, 3, राइट। और डिनोमिनेटर से जब हमने डेसिमल हटाए तो ऊपर हमको 4 जीरो लगाने पड़ेंगे। अब ये 1, 2, 3, 1, 2, 3 कैंसिल, और ये 10⁻¹⁹ हो गया 10⁻²⁰। तो इस तरीके से हमने डेसिमल्स को भी क्या किया, सॉल्व कर लिया, और जितने भी जीरोस बच रहे थे वो हमने सारे जीरोस 10⁻³ में ऐड कर दिए।
राइट। नाउ अब आपके पास सिंपली टर्म्स बची हैं, दैट इज 667 इनटू 6 इनटू 74 अपॉन में 384, इसको 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 3 सा 6, 2 1 सा 2, 2 9 सा 18, 2 2 सा ये 3 से अगेन हो जाएगा, 3 6 18, 3 6 12, देन अगेन 2 से कर लेते हैं कैंसिल, 2 3 सा 2 2 सा 2 3 सा 2 7 37। अब हमारे पास टर्म बची है 667 इंटू 37 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 384 इंटू 10 की पावर 20। अब हमको सिंपली इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर उनको डिवाइड कर देंगे और उनको पूरा सॉल्व करने के बाद यू विल गेट nearly equal to 10.01 into 10 to the power 20 and this is basically the force. तो force की ऐसा unit क्या होती है? Newton. So we have written N here, that is Newton. तो सिर्फ यहाँ पे आपको क्या करना है? Simple multiply and then divide. और after doing the multiplication and division, you will get your answer. And our answer will be 2.01 into 10 to the power 20 Newton. So इसका मतलब अर्थ मून पर जो फोर्स एग्जर्ट कर रही है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन का जो फोर्स है वो अर्थ मून पर एग्जर्ट कर रही है। राइट नाउ नाउ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दैट इज बेस्ड ऑन दिस पैटर्न ओनली। हमको एक बॉडी का मास दिया है दैट इज 2 केजी, एक दूसरी बॉडी है जिसका मास है 1 केजी और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको दे रखी है 4 मीटर। वी हैव टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द बॉडीज। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि सारी जो यूनिट्स हैं वो एसआई सिस्टम में है या नहीं। तो हमने चेक किया मास की एसआई यूनिट केजी, इट इज करेक्ट। अगेन इट इज मास की एसआई यूनिट केजी, करेक्ट। जो रेडियस है वो 4 मीटर है, इट इज ऑल्सो करेक्ट अगेन। हमको निकालना है दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ओके सो स्टूडेंट्स एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। राइट जी की वैल्यू ऑलरेडी आपको नोन है दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। राइट ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू एम की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू ये स्मॉल एम की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, इस 2 से ये 4 कैंसल सो वी विल गेट 2 और इसको अगर हम सॉल्व करके लिखें तो ये हो जाएगा 6.67 into 10 to the power minus 11 divided by 4 to the 8, right? अगर हम इसको solve कर लें, so it will be nearly equal to 0.833 into 10 to the power minus 11 न्यूटन। राइट जब हम नियरली इक्वल निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमको साइन इस तरह से नियरली इक्वल का लगाना पड़ेगा। ओके जब भी आप अप्रोक्सीमेशन में आंसर निकाल रहे हो तो या तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे दैट इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे अप्रोक्सीमेटली, या हम यहाँ पे नियरली इक्वल का साइन लगा देंगे। सो इट इज रिप्रेजेंटिंग कि हमने जो कैलकुलेशन किया है वो एक एवरेज कैलकुलेशन किया है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू हम यहाँ पे दे रहे हैं। ओके सो जब आपको कोई बहुत बड़ी वैल्यू डिजिट्स आती हैं तो आप अप्रोक्सीमेशन में आंसर्स निकाल सकते हो, देयर इज नो इशू। ओके सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज व्हेन द मास ऑफ द बॉडीज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी, द मास ऑफ द टू बॉडीज इज गिवन टू अस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज ऑल्सो गिवन टू अस। ओके सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ओके बेसिकली कैप्लर
ही वॉज अ साइंटिस्ट, उन्होंने प्लैनेट्स के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए तीन लॉज दिए थे एंड दैट लॉज वर नेम्ड एज कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. ओके, कैपलर ही वॉज अ साइंटिस्ट. प्लैनेट्स किस तरह से सन के अराउंड मोशन करते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए कैपलर ने कुछ लॉज दिए थे एंड दैट लॉज वर, देयर वर थ्री लॉज बेसिकली. जो फर्स्ट लॉ था, इट स्टेट्स दैट द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट. ओके, तो जो पहला लॉ था वो हमको शेप बताता है सन के ऑर्बिट का. केपलर के लॉ से पहले तक ये कंसिडर किया जाता था कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं. इसका मतलब जो सन का ऑर्बिट है वो सर्कुलर पहले कंसिडर किया जाता था, बट केपलर ने बताया कि सन का जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं होकर स्लाइटली इलिप्टिकल है. ओके, दिस शेप इज सेट टू बी द इलिप्स. तो उन्होंने बताया कि जो सन का ऑर्बिट है दैट इज बेसिकली इलिप्टिकल, और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट गिव्स अस द शेप ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सन, दैट ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट. ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट ये बोलता है, सपोज यहां पे कोई प्लैनेट है, सो सेकेंड पॉइंट स्टेट्स दैट द लाइन जॉइनिंग प्लैनेट टू द सन स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल. मतलब जो प्लैनेट है, अगर प्लैनेट से सन तक मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये जो लाइन है वो इक्वल एरिया कवर करेगी इक्वल टाइम इंटरवल में. इसको सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो जो प्लैनेट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, राइट? हमारी अर्थ जो है उसको हमेशा सन का चक्कर लगाने में 365 डेज का टाइम लगता है, राइट? एवरी टाइम एवरी ईयर जो उसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, अर्थ की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है. सिमिलरली कोई भी प्लैनेट हो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से अर्थ के सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करता है और उसकी वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है. सो द लाइन जॉइनिंग, ये जो लाइन है वो इक्वल एरिया कवर करेगी इक्वल टाइम में. मतलब अगर किसी टाइम में ए से बी तक आ रही है वो, तो इस ए एस बी का एरिया, और किसी दूसरे टाइम में वो बी एस सी तक जा रही है, राइट? तो अगर जितना टाइम उसको ए से बी तक जाने में लगा उतना ही टाइम उसको बी से सी तक जाने में लगा, तो ए एस बी का एरिया ए सी बी के एरिया के सॉरी बी एस सी के एरिया के इक्वल होगा. ए एस बी का एरिया बी एस सी के एरिया के इक्वल होगा. ये बोलता है हमको सेकेंड लॉ, दैट द एरियल वेलोसिटी इज, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट्स इज कांस्टेंट. इसका मतलब प्लैनेट्स जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से अर्थ सन के अराउंड रोटेशन कर रहे हैं, राइट? नाउ थर्ड पॉइंट स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द अर्थ, इज क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द सन्स ऑर्बिट. टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब सपोज इस प्लैनेट ने यहां से चलना शुरू किया और पूरा ऑर्बिट कवर करके जब ये वापस यहां पर आ गया तो उसके लिए इसको जितना टाइम लगा उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से. तो थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि जो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस. सेमी मेजर एक्सिस का मतलब हम देख सकते हैं सन से ये एक एक्सिस जो है वो बहुत दूर है और जो दूसरी एक्सिस है वो उसके बहुत पास है. तो जो दूर वाली एक्सिस है उसको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और ये जो पास वाली एक्सिस है उसको हम बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस. तो जितना टाइम उस प्लैनेट को उस डिस्टेंस को कवर करने में लगा उसका स्क्वायर प्रपोर्शन होता है सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू के, राइट? अगर सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू ज्यादा तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा. मतलब यहाँ पे जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू यहाँ पे, राइट? सो
टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू. इन तीनों लॉज पर बेस करता है किसी भी प्लैनेट का मोशन अराउंड द सन. मतलब इन तीनों पॉइंट्स की हेल्प से हम किसी भी प्लैनेट के मोशन को सन के अराउंड अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स. द फर्दर टॉपिक्स वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर्स. थैंक यू.